टीकमगढ़ जिले के समूचे बुंदेलखंड में दीपावली पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके साथ ही दूसरे दिन गोवर्धन पूजा कर ग्रामीणों द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बुंदेलखंड का पारंपरिक मौनिया नृत्य किया गया। सुबह से ही कुंडेश्वर धाम मंदिर में ग्रामीण अंचलों से आए मौनिया नृत्य की टोलियों ने मौन धारण कर ढोल नगाड़ियों के साथ शहर में जगह जगह जाकर मौनिया नृत्य किया। शहर के लोगों ने मौनिया नृत्य के लोगों का श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। क्या होगा कि जब दीपावली होती है ना, और दीपावली जी कृष्ण भगवान ने मनाया है, उनने ये जहाज लीला रची थी इसकी, मौनियों की, मोर वगैरह जो बच्चे लगाए हैं जिनने इस खेल का चालू किया था परमा के दिन। आज मतलब जैसे अमावस्या को जैसे दीपावली होती है ना, तो दीपावली के बाद पर जो मौनिया निकलते हैं, जो मौन साधन मन मौन मौन साफ के पहले गौ के लेखे में रहते हैं जी, तो इसलिए अपना ये काम कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण भगवान ने किया, जो परमा के दिन वही काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ जाते हो आप? ये मतलब है जैसे आपके क्षेत्र में आ गए, और वो चाहे जैसे कहीं कुंडेश्वर है, तो जैसे देवस्थान पर ज्यादा जाते हैं, देवस्थान से होते हुए तो कहीं चलो गांव में भी होते चले, ठीक है, इसलिए इसका कारण ये है। और शुरुआत कहाँ से करते हैं? सुबह से तो कुंडेश्वर से कई किया हम लोगों ने आज, और कभी दिन ओरछा चले जाते हैं, कभी रतनगढ़ चले जाते हैं। कितनी टीम रहती है आपके साथ? कम से कम 20-25 आदमी रहते हैं वहाँ पर। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।